दोस्तों, हम आज आए हैं उमरकोट किलो पे। ये उमरकोट किलो का मेन गेट है। अब हम जाएंगे अंदर और ऊपर का व्यू दिखाएंगे, साथ साथ म्यूज़ियम भी आपको दिखाएंगे उमरकोट किलो का। ये हम अब अंदर जा रहे हैं, इंटर हो गए हैं उमरकोट किलो पे। तो ये जो है सामने, ये पुराना म्यूज़ियम है, अभी ये डैमेज हो गया। अब हम सामने जा रहे हैं सीधा, और ऊपर भी जाएंगे, आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम आए हुए हैं उमरकोट किलो पे। मेरे साथ है मेरा कज़न दाना अली, हम साथ में घूम रहे हैं। आपको दिखाएंगे म्यूज़ियम, उमरकोट म्यूज़ियम, वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप ऊपर का व्यू देख लें, और ये सामने सामने जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मरम्मत हो रही है, काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। ये यहाँ पे जो मुकम्मल व्यू है उमरकोट का, उमरकोट किलो का। तो हम जाएंगे म्यूज़ियम में और आपको म्यूज़ियम का व्यू दिखाएंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हम जो है आज उमरकोट किलो पे आए हैं, म्यूज़ियम में अब पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरा कज़न दाना अली, सो अंदर जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे अंदर क्या है, पुरानी चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये मेरा कज़न यहाँ पे आया है घूमने, स्टडी करने, साथ साथ घूम भी रहे हैं। ये मेरे पीछे बैकग्राउंड जो है, ये भी आप देख सकते हैं, ये उमरकोट म्यूज़ियम। अब जाएंगे अंदर, देखेंगे क्या है। जी, हम दोनों अब अंदर आ चुके हैं म्यूज़ियम में। ये हमारे पीछे जो है पुतले हैं, और बहुत रश थी इसलिए हमने जो है रिकॉर्डिंग सही से नहीं की थी। वो आदमी बहुत यहाँ पे घूमने आए थे, देखने आए थे ये पुतले बने। अब ये जो है पुतले बने हुए हैं उमर मारवी वालों के, ये हाथों से बने हुए हैं इन लोगों के पुतले। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पुराने ज़माने के जो हथियार हैं, जो तलवार थे जिससे जंगें लड़ी जाती थी, तो वो यहाँ पे पड़े हैं दिखाने के लिए, लोग आके इसको इनको देखें। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पुराने ज़माने के हथियार ये तलवारें हैं, और ये जो है पत्थर पड़े हैं पुराने ज़माने के, इन लोगों को मिले थे, मूर्ति वगैरह जो कहते हैं वो हैं, ये सारे यहाँ पे यही पड़े हैं। ये भी यहाँ पे लिखा है कि कोई शहीद हो गया है वहाँ पे इस घोड़े के ऊपर। ये भी दोनों राम और लक्ष्मण हैं, नाम लिखा है इन लोगों का। ये हथियार पड़े हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के ही, यहाँ पे लिखा हुआ है उस, मुझे कह सकते हैं कि ये पुराने ज़माने के हैं। ये जो है पुराने ज़माने के कपड़े हैं, तो पुराने ज़माने के, मगर ये कपड़े जो है अभी भी यूज़ होते हैं गांव और विलेज में। ये जो है थर का इलाका, डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे ये कपड़े अभी भी इस्तेमाल होते हैं, जो लड़कियाँ हैं पहनते हैं इनको। ये पुतला है, ये सारे यहाँ पे नुमाइश के लिए हैं, क्या के लोग इनको देखें। ये भी सारे यहाँ पे हैं, रश भी बहुत थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी आदमी जो हैं यहाँ पे घूमने आए हैं। ये पुराने ज़माने के हीरे जवाहरात थे, जो चांदी के थे, सोने के भी थे। ये हमारे सामने ये जो हैं ये चांदी के हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये पुराने ज़माने के हैं, अभी भी जो है गांव में यूज़ करते हैं ये थर का इलाका जो है वहाँ पे। ये भी हैं हाथों से बनाए हुए, मगर पुराने ज़माने के हैं। ये भी हैं हाथों से बने हुए सारे, ये जो है तोहफे के तौर दिए जाते हैं, अदरक वगैरह जो सिंध की सकाफत है वो है, जो मेहमान वगैरह आते हैं ये तोहफे तौर दिए जाते हैं, तोहफे के तौर दिए जाते हैं हमारे सिंध में अभी भी जो है ये देते हैं, अजरक और ये लौंगी, सिंधी में इसको कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। तो वीडियो को अभी यहाँ पे भी
करेंगे एंड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू।